हम लोगों की बजट के रिगार्डिंग सरकार से बहुत सी उम्मीदें हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमें टैक्स से रिलीफ चाहिए। कारण क्या होता है, पहले हमारा 5% टैक्स होता था एक वक्त में, उसके बाद 18 और 28 का स्लैब आ गया। हम सरकार से चाहेंगे, क्योंकि ये कोई एजुकेशनल गुड्स हैं, इसकी नेसेसिटी है, इस पर 5% से ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो ग्लासवेयर इंडस्ट्री है, उसके रिगार्डिंग एक गजट आया है गवर्नमेंट का कि भी इसको ISI किया जाए, जबकि वो ऑप्शनल होना चाहिए, क्योंकि स्कूल्स में ISI की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तीसरा, जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जेम के थ्रू खरीदने चाहिए, वो NCERT बाइंग कर रही है, जहाँ पे कि NCERT गवर्नमेंट की बॉडी है, बड़ी रिस्पेक्टेड बॉडी है, मगर वहाँ पे टोटल दुकानदारी हो रही है, और जो 10 रुपये की चीज़ है वो 50 रुपये की सप्लाई हो रही है। हम तो सरकार से ये चाहेंगे कि मार्केट को ओपन करे, और जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, ओरिजिनल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको सब्सिडीज़ वगैरह दे, जिससे कि हम कंपटीशन कर सकें और चाइना के कंपटीशन में आ सकें। साइंटिफिक एपरेटस मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की तरफ से अपने फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि टैक्सेशन स्लैब में हमारा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का बिजनेस है, उद्योग है, अम्बाला कैंट उसके लिए प्रसिद्ध है, और एक छोटी सी इंडस्ट्री है, इसमें कुछ टैक्स में बेनिफिट्स दे सकें तो इस उद्योग को थोड़ी प्रमोशन मिल सकेगी। हमारे छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको कोई छोटा मिनी इंडस्ट्रियल एरिया अलॉट करवाया जाए, जिसमें 100-100 गज के प्लॉट उन्हें मिल सकें और वो एक ही जगह पे इकट्ठे होकर कार्य कर सकें। तीसरा, सीनियर सिटीजन्स, आज तक सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई रियायत सरकार की तरफ से नहीं मिली है, जो अनाउंस होती हैं वो लागू नहीं होती, कृपया इन पर ध्यान दिया जाए। सबसे पहले तो हम मोदी सरकार को इसके लिए मुबारकबाद देंगे कि वो अपना 7वां बजट पेश कर रही हैं, सीतारामन जो है मैडम, तो इसके लिए हम चाहेंगे कि हमारा जो साइंस मार्केट है, प्रॉपर अम्बाले की जो साइंटिफिक मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती थी पर अब नहीं है, तो उसके लिए हमको राहत चाहते हैं, और हमारे को इसमें क्या बोलते हैं सब्सिडाइज जो है क्या बोलते हैं वो दी जाए, हर आइटम के ऊपर जो हम एग्जीबिशन लगाएं उसमें भी राहत वगैरह दी जाए, जो कि हम इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर सकें। और इसमें जो इनकम टैक्स स्लैब है वो बहुत टाइम से नहीं बढ़ाई गई, 3 लाख के आसपास ही है, जो कि इसको बढ़ा के 5 लाख कर दी जाए। ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मिडिल क्लास बिजनेस मैन के लिए, सबके लिए अच्छा रहेगा। उसके लिए राहत है कि हमारी जो इसके ऊपर है साइंस मार्केट, साइंस जो एक इंडस्ट्री है बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, इसके ऊपर जो GST है उसको भी कम किया जाए, गवर्नमेंट इसमें GST भी कम कर सकती है, जिससे कि हम इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी कुछ कर सकते हैं, एक्सपोर्ट अच्छा कर सकते हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी एक ना के बराबर है, और मार्केट में भी जो मार्केट में जो हमारी रेशियो एक्सपोर्ट में वो इतनी जो बढ़ जाए। दरअसल इंडिया की सक्सेस इंडस्ट्री के ऊपर है। आप देखेंगे जापान में, अमेरिका में, या जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री को जो ऊपर लेके आए हैं, वो मुल्क बहुत ऊपर पहुंचे हैं। अब इंडिया भी उस स्टेज में है एक टेक ऑफ की, जब इसकी इंडस्ट्री काफ़ी ऊपर जाएगी। उसमें से एक बड़ी अहम, जिसका मैं भी एक हिस्सा हूं, फार्मास्यूटिकल्स में MSME सेक्टर। अब अभी MSME सेक्टर को जो लेटेस्ट गवर्नमेंट के डायरेक्शंस आए हैं, उसको उन्होंने कहा है कि इसको एट पार विद USFDA और EU करो। उसके लिए करोड़ों नहीं अरबों रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो कुछ आदमियों ने, जैसे मैंने तो ऑलरेडी आई वॉज ए हाइएस्ट इनकम टैक्स पे इन द स्टेट,
तो मैंने तो अपने पास से लगा दिया, काफी करोड़ों रुपए लगा दिए, पर हर आदमी के हक में नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि वो ये पैसा इतना इन्वेस्ट करे। अगर वो करेगा तो उसको रिटर्न आएगा या नहीं आएगा। तो ऑलरेडी काफी सारी एमएसएमई इंडस्ट्रीज वो कर्ज के बोझ के थले दबी हुई हैं। तो अगर आपने इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में लाना है ड्रग इंडस्ट्री को, तो काइंडली इनको एक अच्छी सब्सिडी या अच्छी सपोर्ट दो, फाइनेंशियल सपोर्ट दो, ताकि ये आगे जाके इंटरनेशनल मार्केट में उनकी बराबरी कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। और मेरी बजट से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से यही रिक्वेस्ट है कि वो इस बार स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, जिसमें करोड़ों लोग काम करते हैं, करोड़ों फैमिलीज उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनको पेरिश होने से, उनको खत्म होने से बचा लें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।